अगर आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं और आपको प्रेजेंटेशन बनाने का कोई आइडिया नहीं है, तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है, यानी पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कंप्यूटर से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां पाने के लिए बगल में नोटिफिकेशन आइकन है उसको दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक लेआउट ओपन कर लिया है। किसी भी यूजर को जो भी प्रेजेंटेशन पे या पावर पॉइंट पे काम करना चाहता है, तो सबसे पहले उसके पावर पॉइंट के इंटरफेस के बारे में जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस वीडियो में, इस स्लाइड में आपको ये दिख रहा है कि ये जो एरिया दिख रहा है ये आपको स्लाइड कहलाता है। ये पावर पॉइंट का स्लाइड होता है, यानी जैसे एमएस वर्ड में पेज होता है उसी प्रकार यह स्लाइड होता है। और ये जो आपके यहाँ पे जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये आपके बॉक्सेस जो होते हैं प्लेस होल्डर होते हैं, जहाँ पर अपने टाइटल्स वगैरह के बारे में जानकारी प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये तरीका दिख रहा है, जितने भी स्लाइड आपके आते जाएंगे यहाँ पर, वो आपको इस वाले एरिया पेन में दिखाई पड़ेंगे। तो जैसे हमने मान लीजिए हमने दो तीन स्लाइड यहाँ पे अपने इंसर्ट कर दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 4 स्लाइड इंसर्ट हो चुकी हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो स्लाइड है वो अपना लेआउट, यानी स्लाइड 1 पे अलग लेआउट हो गया है और स्लाइड 2 पे अलग लेआउट हो गया है। ये देखिए ये इस तरह का लेआउट हो गया है, और स्लाइड 3 पर इस तरह का लेआउट हो गया है, और स्लाइड 4 पर इस तरह का लेआउट हो गया है। तो अभी क्या है कि इन लेआउट को हम डिलीट करते हैं, और ये लेआउट कैसे हम लाते हैं, तो इनके बारे में हम अभी आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में ये जान लेते हैं कि ये प्लेस होल्डर कैसे काम करता है और कैसे हम कोई प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि हमें ये प्लेस होल्डर नहीं लेना है, तो आप इसको यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं। यानी कैसे डिलीट करना है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन पर क्लिक करके हम डिलीट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको डिलीट करना नहीं आता है, तो आप लेआउट पे जाकर यहाँ पर ब्लैंक लेआउट भी आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ब्लैंक लेआउट भी हो जाएगा। और अगर आपने कोई भी अलग प्रकार का, जिस प्रकार का प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हैं, उस प्रकार का लेआउट लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लेआउट पर भी जाकर यहाँ पर आप टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर्स, टू कंटेंट, कंपेरिजन, टाइटल ओनली, तो यहाँ पर आप ढेर सारे लेआउट्स आपको उपलब्ध हैं, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। तो अभी हम एक प्रेजेंटेशन, छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार करने जा रहे हैं, तो आप उसको जानकारी लीजिए कि कैसे हम उसको टाइटल स्लाइड में बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने टाइटल स्लाइड का इस्तेमाल किया। टाइटल स्लाइड में हमने यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई टाइटल डाल दिया, मान लीजिए हमने यहाँ पर टाइटल डाल दिया और इस टाइटल को हमने यहाँ पर बड़ा कर दिया। और यहाँ से जो इस वाले बटन पे जाके आप देखेंगे, हमने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से फॉन्ट पे जाकर हमने यहाँ फॉन्ट को चूज कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने फॉन्ट को चूज कर दिया। अगर कोई स्टाइल, कोई शेडो वगैरह देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इस शेडो वाले बटन पर जाकर शेडो कर सकते हैं और बोल्ड भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ कलर देना चाहते हैं, तो होम मेन्यू पर जाकर यहाँ पे फॉन्ट वाले कलर पे, यानी जो फॉन्ट कलर है, यहाँ पे आप फॉन्ट कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे कलर्स वगैरह दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन तैयार होने लगा है, कैसे बनाते हैं। फिर नीचे हमने टाइप किया और यहाँ पर हमने एक सब टाइटल के रूप में हमने VIT कंप्यूटर एजुकेशन टाइप कर दिया। और यहाँ से हमने कोई भी फॉन्ट जो हमें पसंद है वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो आप नीचे जाकर अपने फॉन्ट को अच्छे से चूज कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। यहाँ पे मोनोटाइप कर्सिव को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर सेट करने के बाद अगर हम चाहें तो इसका फॉन्ट वगैरह भी कलर कर सकते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पे फॉन्ट कलर वगैरह भी दे सकते हैं। इतना करने के बाद अब आप देखें कि स्लाइड हमारा यहाँ पर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार हो गया है। इस प्रेजेंटेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो व्हाइट बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, इस बैकग्राउंड का भी इस स्लाइड पर कोई डिजाइन हमने या कोई बैकग्राउंड अभी नहीं दिया हुआ है। तो आप जब इसको क्या करेंगे, जब F5 करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा प्रीव्यू तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्लाइड पर कोई भी एनिमेशन नहीं लगा हुआ है, और ना ही किसी भी टेक्स्ट पर कोई एनिमेशन लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, पहले स्लाइड पर एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं। स्लाइड पे एनिमेशन लगाने के लिए हम यहाँ पर ट्रांजिशन पे जाते हैं। ट्रांजिशन पे जाने के बाद हमने यहाँ पर वाइप, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाइप हमने कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंटेशन तैयार हो जाता है। अगर आप कोई भी चीज लेना चाहते हैं, कुछ अच्छा प्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये
यहाँ पे ढेर सारे आपके जो ट्रांजिशन है वो प्रोवाइड हो जाते हैं, आप इस पर क्लिक करते जाएंगे या आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी हम पावर पॉइंट का 2016 वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पावर पॉइंट का 2007 और 2010 वर्जन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 2019 वर्जन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2016 में थोड़ा सा अच्छे से इफेक्ट्स हैं। तो अभी यहाँ पे हमने प्रेजेंटेशन को इस तरह से हमने, तो इस तरह से हमने ये एनिमेशन यहाँ पे यूज कर लिया है। और अब जब हम यहाँ पर देखेंगे F5 पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा प्रेजेंटेशन शो होगा। तो अभी क्या है कि ये हमने स्लाइड पर जो ट्रांजिशन है हमने लगा दिया है, लेकिन अभी क्या करते हैं हम यहाँ पर जो आपके सामने जो टेक्स्ट दिख रहा है इस पर कोई भी इफेक्ट्स नहीं लगा हुआ है। तो इस पर इफेक्ट लगाने के लिए हमने क्या किया, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद जो है हमने यहाँ पर एनिमेशन पे जाएंगे, और एनिमेशन पे जाकर हमने यहाँ पर अगर आप यहाँ पे स्प्लिट एनिमेशन लगाते हैं और अगर इफेक्ट ऑप्शन पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अच्छा सा एनिमेशन यहाँ से इफेक्ट्स लगा सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। तो अभी हम आपको छोटा सा एक डेमो दिखाते हैं कि इसमें कैसे काम करेंगे। तो F5 जब हम प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर जो कर्टेन है वो हट रहा है, लेकिन यहाँ पर BIT जो है अभी नहीं दिखा है। तो इसकी वजह यह है कि जब तक हम माउस क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये BIT आपको ऑटोमेटिक नहीं शो होगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए BIT ऑटोमेटिक आ गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस प्रेजेंटेशन के साथ साथ जो है BIT ऑटोमेटिक आ जाए, यानी कर्टेन हटने के बाद ऑटोमेटिक BIT आ जाए, तो आप यहाँ पे इसको स्किप करके बाहर आ जाएंगे और इस पर एनिमेशन लगाने के लिए यहाँ पर जो ऑन क्लिक दिख रहा है इस पर हमने विद प्रीवियस लगा दिया, और विद प्रीवियस लगाने के बाद यहाँ पर डिले का ऑप्शन थोड़ा सा टाइमिंग लगा दिया देखिए, और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो प्रेजेंटेशन है वो ये देखिए इस तरह से BIT हमारे सामने आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आप चाहते हैं कि ये जो कंप्यूटर एजुकेशन है ये BIT के बाद आए या रोल करे या एनिमेशन इफेक्ट्स हो, तो उसके लिए भी आप यहीं पे जाएंगे और एनिमेशन यहाँ से जाके आप किसी भी प्रकार का एनिमेशन लगा सकते हैं। देखिए तो इस तरह का एनिमेशन लगाएंगे, और एनिमेशन लगाने के बाद और यहाँ पे इसकी टाइमिंग वगैरह ड्यूरेशन वगैरह देनी है। तो टाइमिंग देने के लिए आप यहाँ पे जो ऑन क्लिक लगा हुआ है तो इसके बाद हमने यहाँ पे आफ्टर प्रीवियस कर दिया। तो इस जो कंप्यूटर एजुकेशन पर आफ्टर आफ्टर प्रीवियस एनिमेशन का प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा हमने स्लो कर दिया ताकि ये थोड़ा टाइमिंग में लगे, और अब आप F5 करके देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंटेशन इस तरह से हमारा प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगा। ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं व्हाइट बैकग्राउंड है, अगर आप चाहते हैं कि इसको कलर हो जाए या डिजाइन्स कोई लगा दिया जाए तो यहाँ पे आप डिजाइन टाइप पे जाएंगे, और डिजाइन टाइप पे जाने के बाद यहाँ पर अच्छे से आप डिजाइन का डिजाइन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह का डिजाइन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आप जो भी डिजाइन चाहते हैं वो यहाँ पे डिजाइन्स भी अवेलेबल है। इस तरह से पहला जो स्लाइड है वो हमारे हिसाब से कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहें तो इसमें और भी एनिमेशन इफेक्ट्स वगैरह लगा सकते हैं, और अगर डिजाइन हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिजाइन्स पे जाएंगे, आप यहाँ पर डिजाइन्स का भी ऑप्शन ले सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से आप डिजाइन्स हटा सकते हैं। इतना करने के बाद अगर आप चाहते हैं न्यू स्लाइड ऐड करें तो न्यू स्लाइड ऐड करने के बाद यहाँ पे आप जाएंगे कंट्रोल एम करेंगे, कंट्रोल एम से एक न्यू स्लाइड यहाँ पे आ जाएगी और उसका लेआउट भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जाते हैं सब टाइटल में लिखा हमने यहाँ पे, तो इस तरह से हमने इसके प्रेजेंटेशन के लिए हमने टाइटल टेक्स्ट ऐड कर दिया। टेक्स्ट ऐड करने के बाद यहाँ से हमने फॉन्ट वगैरह चुन लिए जैसे आप चाहते हैं, इस तरह से हमने इसको कलर्स वगैरह भी दे दिए। और क्या क्या कोर्सेज हैं, किन किन चीज़ों के बारे में आप जान सकते हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कोर्सेज टाइप कर दिया, कोर्सेज के लिए हमने यहाँ पर कोर्सेज टाइप कर दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पर तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने बुलेट्स लगा दिया, और बुलेट्स लगाने के बाद हमने यहाँ पर कोर्सेज के नाम दे दिया, किस किन चीज़ों के बारे में आपको पता जानकारी मिल सकती है यहाँ पर BCA DCA CCC। और यहाँ पर इसको टाइप करने के बाद हमने ये बुलेट्स जो है हमने लगा दिया, और ब्रश लगाने के बाद आप यहाँ पर इसको अपनी जरूरत के हिसाब से इसको कलर्स वगैरह भी दे सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अभी आपके सामने ये प्रेजेंटेशन हमने तैयार कर दिया है, तो अभी हम क्या करते हैं इसमें हम कोई पिक्चर या क्लिप आर्ट रखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे इंसर्ट पर क्लिक कर दिया,
और इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। अब पिक्चर इंसर्ट करने के बाद हमने यहाँ पर एक शेप्स यूज कर दिया। शेप्स यूज करने के लिए हमने यहाँ पर एक कॉलआउट्स का जो एनिमेशन है वो हमने यहाँ पर लगा दिया। इसमें अगर मुझे शेप्स में लिखना है कुछ भी तो राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने जो भी है कोर्सेज के बारे में हमने यहाँ पर टाइप कर दिया ताकि आपको ये रियलिस्टिक लगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी जा रही हैं। इस तरह से हम यहाँ पर कोर्सेज के बारे में जानकारी दे दी। अब आज इस प्रेजेंटेशन को आप ऊपर देखते हैं यहाँ पर, तो इस प्रेजेंटेशन को जब ओपन करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके सामने जो प्रेजेंटेशन है नॉर्मल आपको दिखाई पड़ेगा और उसके बाद जब अगली स्लाइड नहीं मूव हुई है तो अब आप क्या करेंगे, ट्रांजिशन पे जाएंगे। ट्रांजिशन पे जाने के बाद जो यहाँ पर जो टिक है, ये जो ऑन माउस क्लिक है, इसको आप यहाँ पे अनटिक कर देंगे और अनटिक करने के बाद आफ्टर कर देंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्लाइड की ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगी और जो अगली स्लाइड है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अगली स्लाइड आई है इसमें कोई भी एनिमेशन इफेक्ट नहीं लगा हुआ है। तो एनिमेशन इफेक्ट लगाने के लिए बस आपको क्या करना है, आपको जाना है दूसरी स्लाइड पर और दूसरी स्लाइड पर जाकर एनिमेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कोई भी एनिमेशन यहाँ पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो एनिमेशन इफेक्ट लगा है वो ऑन क्लिक पर लगा हुआ है, तो आप ऑन क्लिक करेंगे तभी आएगा। और इस पर भी आपका ऑन क्लिक लगा हुआ है, उसके बाद भी इस पर भी आपने सिलेक्ट कर लिया, इस ऑब्जेक्ट पर भी सिलेक्ट कर लिया और इस पर भी आपने एनिमेशन लगाया। और यहाँ पर आप जब फ्लाई इन करके आ रहा है तो आप फ्लाई इन को इफेक्ट दे सकते हैं, आप इसको लेफ्ट साइड से कर सकते हैं, यानी फ्रॉम राइट कर देंगे तो ये फ्रॉम राइट आएगा। और यहाँ पर आपके सामने जो भी ये इफेक्ट्स आ रहा है, इसके जो एनिमेशन इफेक्ट्स आ रहा है इसके माइंड से आ रहा है, तो आप इसके माइंड पे क्लिक कर देंगे या आप इस पर कुछ और भी एनिमेशन लगा सकते हैं। ये एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रीव्यू करके देखा, प्रीव्यू करके देखेंगे कि आपका एनिमेशन यहाँ पर चालू हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो भी एनिमेशन नहीं आ रहे हैं इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कुछ भी लगाना है वो सब क्लिक पर आएगा, यानी क्लिक करने पर ही आएगा। हम यहाँ पे देखिए माउस से क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर बारी बारी से क्लिक करने पर ही सारी चीजें आ रही हैं। आप बारी बारी से जब क्लिक करेंगे तो आपका सारा एनिमेशन आएगा और यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे एनिमेशन होगा। अगर आप सारी चीजें चाहते हैं कि सब ऑन क्लिक पर ना आए और ऑटोमेटिक आए सब, तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर विद प्रीवियस कर देंगे और इसके बाद थोड़ा सा स्लो टाइम दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर इसको भी हमने विथ प्रीवियस पे ही लगा दिया और इसके साथ साथ थोड़ा सा टाइमिंग हमने डिले कर दिया और यहाँ पर हमने ड्यूरेशन दे दिया थोड़ा सा, और यहाँ पे एक सेकंड या दो सेकंड का ड्यूरेशन दे दिया। और उसके बाद इस पर भी हमने ड्यूरेशन दी, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये ऑन क्लिक पर लगा हुआ है, तो इसको भी हमने आफ्टर प्रीवियस कर दिया, यानी पुराने वाले के बाद में कर दिया, और इसको भी हमने ऑन क्लिक पर हटा कर पुराने वाले के बाद कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो कुछ भी एनिमेशन इफेक्ट्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी होते रहेंगे और एनिमेशन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो F5 करके ही आप प्रीव्यू देखेंगे, फुल स्क्रीन में देखेंगे। इस तरह से आपका प्रेजेंटेशन एक ऑटोमेटिक का तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो में और जानकारी चाहिए, इसके बारे में फुल ट्यूटोरियल चाहिए, तो कृपया हमें कमेंट करें और हम आपको इसके बारे में फुल ट्यूटोरियल्स के बारे में जानकारी प्रोवाइड करेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर इसके बारे में कुछ जानकारी, ढेर सारी जानकारियाँ आपको चाहिए, क्योंकि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऐसा प्रेजेंटेशन है जिसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो कम से कम 2 से 3 घंटे का एक वीडियो कम्प्लीट हो जाएगा। तो आप कृपया अगर वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने कृपया करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।